नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का जो अभी अभी ये मैथ का पेपर हुआ है, इस पेपर का सॉल्यूशन लाया हूँ और फटाफट से आप अपना आंसर मिला लीजिए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और अदर भी सेमेस्टर के नोट्स और टिप्स, इन्फॉर्मेशन जो है हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराते जाए रहेंगे। तो चलिए फटाफट से मिलाते हैं। आज हमारी जो बुकलेट सीरीज है ये सी है, तो फटाफट से मिला लीजिए। दोस्तों, अभी हमने देखा है कि कुछ लोगों ने हमसे पहले ही जो वीडियो बना दिया है तो उन्होंने काफ़ी गलत आंसर बताया है, तो हमें थोड़ी देर हो गई, लेकिन हमने जो आंसर लाया हूँ मैं ये बहुत ही सही और एकदम करेक्ट हैं। तो आप फटाफट से मिला लीजिए और दोस्तों के बाद शेयर ज़रूर कीजिएगा। यार, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते। हमारा पहला प्रश्न है, यदि वाई बराबर 41 + 24x - 18x² तब वाई का अधिकतम मान है, तो इसका आंसर होगा 19। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर, यदि y बराबर x² - 3x + 2 है तब y का न्यूनतम मान है, तो इसका आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, -1/2। और अगला प्रश्न है कि तीसरा नंबर, sec² x dx का मान है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, tan x + c। अगला क्वेश्चन है, समाकलन 2/√x dx का मान है, तो इसका जो ऑप्शन सी सही होगा, 4/√x + c। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से आज ये सॉल्यूशन लाया हूँ, थोड़ी बहुत खुशी हमें भी मिल जाए। अगला प्रश्न है, पांचवा नंबर, समाकलन e^2x - 3 dx का मान है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, e^2x - 3/2+c। अगला प्रश्न है, छठवां नंबर, कि समाकलन 2x/(x²+1)dx का मान है, तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा सी आंसर सही होगा, log base e x²+1+c। दोस्तों, वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए। और जो अगला प्रश्न है, सात नंबर, कि समाकलन 3 - 2 1/(x+7dx) का मान है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, log x + 7+c। आठवां नंबर प्रश्न है, समाकलन 2 1/(log x dx) का मान है, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, 2 log 2 - 1। अगला जो नौ नंबर प्रश्न है, समाकलन 2π0 cos5x dx का मान है, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर सी सही होगा, 0। अगला दसवां नंबर प्रश्न है, समाकलन 3 0x²+1 dx का मान है, तो इसका आंसर ए सही होगा, 12। दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर करना यार, आप लोग शेयर नहीं करते और आते हैं देख के चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। अगला प्रश्न है, 11 नंबर, वृत्त x²+y²/a² का क्षेत्रफल है, तो इसका जो ऑप्शन सी सही होगा, π a². अगला प्रश्न है, दीर्घ वृत्त x²+a² + y²/b² = 1 का क्षेत्रफल है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी सही होगा, π a²b². अगला प्रश्न है, परवलय y²/4ax और इसके नाभिलंब के बीच का क्षेत्रफल है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 2 समाकलन a 0y dx। और अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 14 है, एक वर्ग आव्यूह एक सममित होगा यदि, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, a-a। 15 नंबर है, यदि a बराबर 1 2 2 1 3 0 तब a बराबर है, तो इसका जो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, 16 नंबर, एक वर्ग आव्यूह में विषम सममित आव्यूह है यदि, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, a = -a। अगला प्रश्न है, 17 नंबर, वर्ग
सॉरी एक वर्ग अव्यूह ए सममित और विषम सममित दोनों हो तब, इसमें ऑप्शन सी सही होगा, ए जीरो अव्यूह है। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि सारणिक ए प्लस 2x एक्स बी बी प्लस 2y वाई सी सी प्लस 2z जेड बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, जीरो। अगला प्रश्न है 19 नंबर, यदि ए एक 3×3 क्रम का वर्ग अवयव है तब के ए बराबर है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, के की पावर 3 सारणिक ए। अगला प्रश्न है 20 नंबर, ए बराबर एक्स वाई 2x 2 3y, बी बराबर 2x 3y x 2y, तब ए प्लस 2b का 2b बराबर है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 5x 4x 7y और 7y। अगला है 21 नंबर, यदि ए बराबर एक्स ए वाई बी तब 2a बराबर क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 2x 2a 2y और 2b। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके आगे वाले सेमेस्टर के और पूरे BSc एग्रीकल्चर में ये आपके काम आने वाला है। और 22 नंबर प्रश्न है, यदि ए बराबर -2 -5 9, बी बराबर -1 1 -4, तब ए -2b बराबर है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, -0 -7 और 17। अगला प्रश्न है 23 नंबर, यदि एक्स एक्स माइनस वाई और 2x+y 7 बराबर 3 8 1 7, तब वाई का मान होगा, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 2। अगला प्रश्न है 24 नंबर, यदि 2x-y और 5 3y बराबर 6 5 3-2, तब एक्स का मान है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 2। अगला प्रश्न है 25 नंबर, यक्स 2 और 3.34 बराबर 2, तब एक्स का मान है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, -2। अगला प्रश्न है 26 नंबर, यदि ए बराबर 4 1 3 2 और बी बराबर -4 3, तब ए बी बराबर, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, -7 2। अगला प्रश्न है 27 नंबर, यदि ए बराबर 2 3 -5 1 2 -1 और बी बराबर 0 5 1 -2 7 3, तब ए प्लस बी बराबर, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, 2 8 -4 -1 9 2। अगला प्रश्न है 28 नंबर, यदि ए बराबर 1 1 1 1 तब ए स्क्वायर का मान क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 1 1 1। 29 नंबर है, x-7x 5x+1 का मान है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा, 5 स्क्वायर x 5x² + 8। 30 नंबर है, x के किस मान के लिए a सिंगुलर है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 13/15। अगला प्रश्न है 31 नंबर, x अक्ष की समीकरण है, तो x अक्ष का समीकरण जो होता है y बराबर 0 होता है। 32 नंबर है, y अक्ष का समीकरण है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, x बराबर 0। 33 नंबर प्रश्न है, x अक्ष के समांतर लाइन का समीकरण है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, y बराबर a। अगला है 34 नंबर, y अक्ष के समांतर लाइन का समीकरण है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, x बराबर a। अगला 35 नंबर प्रश्न है, दो बिंदुओं -1 2 और 3 5 के बीच की दूरी है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 5। 36 नंबर प्रश्न है, दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को जोड़ने वाली लाइन के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, x1+x2/2 y1+y2/2। अगला प्रश्न है 37 नंबर, यदि दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को जोड़ने वाली लाइन का ढाल होगा, तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा, y2-y1 x2-x1। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फटाफट से, ताकि BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्रों तक सबसे सही सॉल्यूशन जो है, सबसे सही आंसर की पहुंच जाए और वो अपना आंसर मिला सकें। 38 नंबर प्रश्न है, 3-2 और 1 4 से
गुजरने वाली लाइन का ढाल है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर, दो लाइनों ढाल जिनका ढाल एम वन और एम टू है के बीच कोण 0 है तब टेन थीटा बराबर है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। एम टू माइनस एम वन बटे वन प्लस एम वन एम टू। अगला प्रश्न है 40 नंबर, दो लाइनें जिनके ढाल एम वन और एम टू हैं लंबवत होंगी यदि, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, एम वन बराबर एम टू। अगला प्रश्न है 41 नंबर, ऋण दो तीन से होकर जाने वाली ऋण चार ढाल के साथ लाइन का समीकरण है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 4x धन वाई धन 5 बराबर 0। 42 नंबर प्रश्न है, यक्ष अक्ष और वाई अक्ष पर क्रमशः ऋण दो और सॉरी ऋण तीन और दो अंताखंड बनाने वाली लाइन का समीकरण है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, यक्ष बटे ऋण तीन धन वाई बटे दो बराबर एक। 43 नंबर प्रश्न है, लाइन 3x ऋण वाई धन 10 बराबर 0 का ढाल है, तो इसका जो ऑप्शन ए सही होगा 3। अगला प्रश्न है 44 नंबर, समांतर लाइनों 3x ऋण 4y धन 7 बराबर 0 और 3x ऋण 4y धन 5 बराबर 0 के बीच की दूरी है, तो ऑप्शन बी सही होगा, 2/5। अगला प्रश्न है 45 नंबर, उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र के एच के है के पर तथा त्रिज्या आर है, तो इसका सही आंसर होगा ए, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगला है 46 नंबर, वृत्त एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर धन 8x धन 10y ऋण 8 बराबर 0 का केंद्र है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, ऋण 4, ऋण 5। अगला प्रश्न है 47 नंबर, वृत्त एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का बिंदु तो एक्स वन वाई वन पर स्पर्श रेखा की समीकरण है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन बराबर ए स्क्वायर। अगला प्रश्न है, वृत्त एक्स एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर बराबर 36 का केंद्र है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, माइनस फाइव थ्री। अगला प्रश्न है, सीमा ज्ञात कीजिए यानी लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स की पावर थ्री माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसको सॉल्व करने पर ऑप्शन जो आएगा वो एक आएगा, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। और अगला प्रश्न है 50 नंबर, लिमिट एक्स एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए का मान है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, एन ए की पावर एन माइनस वन। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि पेपर को सॉल्व करने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो यार एक लाइक तो बनता है। 51 नंबर प्रश्न है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का मान है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा, एक। अगला प्रश्न है 52 नंबर, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स की पावर टू का मान है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, 2x ई की पावर एक्स की पावर 2। अगला है 53 नंबर, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस 2x का मान है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, कॉस एक्स माइनस टू साइन 2x। अगला प्रश्न है 54 नंबर, डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स का मान है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ए सही होगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अगला प्रश्न है डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स कॉस एक्स का मान है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अगला प्रश्न है 56 नंबर, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर ए की पावर एक्स का मान है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, ई की पावर एक्स लॉग ई की पावर ए। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको सेकेंड सेमेस्टर के जो है जो सेकेंड सेमेस्टर का जो वो सिलेबस होता है वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा यहाँ पर। 57 नंबर है, डी डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स का मान है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 2x इंटू कॉस एक्स। 58 नंबर है, डी अपॉन डी एक्स साइन की पावर माइनस वन एक्स का मान है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 1/√1 − x²। 59 नंबर प्रश्न है, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का मान है, तो ऑप्शन सी सही होगा, ई की पावर √x/2x। 60 नंबर प्रश्न है, यदि वाई बराबर साइन 3x प्लस 5 तब डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, तो इसका मान होगा बी, 3cos x 3x + 5। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे सटीक सॉल्यूशन मिला है,
और कुछ लोगों ने वीडियो पहले से डाला है जो कि जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो आप इससे ज़रूर मिलाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।